कर्नाटक में बीजेपी को मिली अब तक की सबसे शर्मनाक हार पर चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच कर्नाटक चुनाव के दिन की गई एंकर रूबिका लियाकत की रिपोर्टिंग आज भी यूजर्स के निशाने पर है। दोस्तों, खुद को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताने वाली एंकर शुरुआती रुझानों में बीजेपी की बढ़त देखकर कुछ यूं उत्साहित हुई कि अच्छी खासी पत्रकारिता पर बीजेपी की चाटुकारिता के आरोप लगने लगे और यह सिलसिला आज भी सोशल मीडिया पर बदस्तूर जारी है। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के बाद बीते 13 मई को मतगणना के दौरान न्यूज रूम में मौजूद एंकर रूबिका लियाकत बीजेपी के पिछड़ने से मायूस हो चली थी, लेकिन अचानक से उनकी स्क्रीन पर जब रुझानों में बदलाव दिखा और बीजेपी कांग्रेस के बराबर आ खड़ी हुई तो अचानक से रूबिका में स्फूर्ति की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा मानो उन्होंने मोदी जी का कभी न थकने वाला टॉनिक पी लिया हो। जो रूबिका लियाकत अब तक मुरझाई सी लग रही थी, वही बीजेपी की बढ़त देखते ही उछल पड़ी और एक समय तो ऐसा आया कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी रुझानों में पार कर गई। उस वक्त रूबिका का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया था। रूबिका लियाकत की इस नायाब पत्रकारिता पर स्वाति चतुर्वेदी कहती हैं, क्या ये अभी भी कोई न्यूज चैनल है या ये महिला स्क्रीन पर किसी मछली बेचने वाले दुकानदार की तरह दिख रही हैं? सच कहें तो प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद भी बीजेपी को बहुमत से 3 सीट आगे दिलवाती हुई रूबिका की इस पत्रकारिता पर अशोक कुमार पांडे कहते हैं, राज्यपाल साहब को इसी समय तुरंत शपथ ग्रहण करवा के मामला सेट कर देना था, बाद में कोर्ट कचहरी देख ली जाती। शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस पत्रकारिता पर कहती हैं, ब्रॉडकास्ट न्यूज मीडिया एक्सप्लेन्ड, हंसना मना है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कहते हैं, इस सब्जी बाजार में रूबिका मैडम ने भाजपा को जीत दिला ही दी, चाहे कुछ ही छड़ों के लिए। जब बीजेपी वालों ने हथियार डाल दिए थे तब भी एबीपी वालों ने हौसला नहीं छोड़ा था, उनकी आवाज़ में एक अलग तरीके का जोश दिख रहा है। रूबिका ने तो सुबह सुबह ही इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में फ़ोन करके चेक किया कि कहीं हिमाचल वाली मशीनें तो नहीं गिन ली गई।